नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। राजधानी रांची के रिम्स में संचालित दवाई दोस्त में औषधि विभाग की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। आपको बता दें कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करते हुए यहां बिना लेवल लगाए सैनिटाइजर बेचा जा रहा था। औषधि विभाग की टीम ने दवाई दोस्त के काउंटर और गोडाउन में रखे गए सैनिटाइजर से भरी बोतल, खाली बोतल और 20 लीटर का सैनिटाइजर का जार भी पाया है। आपको बता दें कि ड्रग इंस्पेक्टर प्रतिभा झा ने कहा कि दवाई दोस्त के संचालक से जरूरी कागजात की मांग की गई है, जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि यहां गैरकानूनी तरीके से सैनिटाइजर बेचा जा रहा है। सैनिटाइजर के बोतल में लेवल नहीं लगाया गया है, यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन है। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। पुलिस दिन रात सड़कों पर तैनात होकर कड़ी ड्यूटी दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ओंकार आवामी ने। कोरोना महामारी को लेकर के देश भर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। इस वक्त मैं राजधानी रांची में हूँ और राजधानी रांची में पुलिस प्रशासन भी जो है वो सख्ती से लॉकडाउन का पालन लोगों से करा रही है। लोगों के अंदर डर है, इसके लिए लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि अब तक झारखंड पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक रुपये का चालान काट लिया है, जो लोग लॉकडाउन में घर से बाहर निकल रहे हैं या फिर सड़क नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सहजनन चौक वाला रोड है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ी हूँ और यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। आने जाने वाले लोगों को रोक रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। अगर लोग बेवजह घर से निकले हैं तो या तो उन्हें पनिशमेंट मिल रही है या तो उनके चालान काटे जा रहे हैं। तो आप इस वक्त ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ आने जाने वाले लोगों को रोक रही है। लोगों में एक जो लोगों के अंदर जो है वो डर नहीं आ रहा है लॉकडाउन को लेकर के, वो लॉकडाउन की धज्जियाँ जो लगातार उड़ा रहे हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोगों को देखिए, आप देख सकते हैं पुलिस पूछताछ कर रही है, इनसे जान रही है कि किस वजह से ये घर से बाहर निकले हैं। अगर जेन्युइन रीज़न है तो पुलिस उन्हें जाने देती है, लेकिन अगर रीज़न जेन्युइन नहीं होता है तो पुलिस उनसे पूछताछ करती है और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कितने लोग जो हैं वो लॉकडाउन में घर से बाहर निकले हुए हैं। लॉकडाउन पता है नहीं, लॉकडाउन बढ़ाया गया है, क्यों घर से बाहर निकल रहे हैं? मतलब तो ये जेन्युइन है। कुछ केसेस जो होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, भले लॉकडाउन है लेकिन जो रीजन अगर सही है तो पुलिस ऐसे लोगों को जाने देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से लोग जा रहे हैं, कुछ और भी लोग हैं उनसे जरा हम बात करते हैं। बताइए, लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, इस तरीके से आप लोग बाहर घूम रहे हैं तो क्या? जी मैडम, राशन डीलर है हम। जी, तो आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो लगातार यहाँ पे गाड़ियों को रोक रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि अगर लोग जेन्युइन ना हो तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। एक बार मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी से कि वो एक बार प्रशासन की तस्वीरें भी दिखाएं कि इस कड़ी धूप में किस तरीके से लगातार, जब से जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री जी ने लगाया है तब से लेके अभी तक लगातार पुलिस जो है इस कड़ी धूप में काम कर रही है, लोगों को लॉकडाउन को लेकर जागरूक कर रही है, लेकिन लोग जो है वो जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सड़कों पे बेइंतहा वो घूमते नजर आते हैं तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती हैं इसको लेके। जैसे देख सकते हैं आप किस तरीके से लोग जा रहे हैं। प्रशासन से बात करते हैं और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। सर हमें बताइए कि लोग क्या लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। आप लोग तरफ से अगर कोई ऐसे लोग मिल रहे हैं तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, फाइन काटा जा रहा है। हाँ, फाइन काटा जा रहा है। चलिए, तो फाइन काटा जा रहा है, ये देखिए अभी यहाँ भी पुलिस ने लगातार पूछताछ की। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है, लेकिन जेन्युइन रीज़न अगर है तो ऐसे लोगों को छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग नियम का उल्लंघन करके बस ये देखने के लिए निकले हैं कि लॉकडाउन का दूसरे लोग कितना पालन कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर पुलिस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं दो लोगों का लगातार चेकिंग चल रही है, जिन्होंने अपना कार्ड दिखाया, जिसके बाद अब पुलिस इनसे बात कर रही है और इन्हें जाने दे रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि झारखंड पुलिस भी लगातार प्रयासरत है कि लोग 100% लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन झारखंड में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि लोग घर में रहें और सतर्क रहें, क्योंकि एकमात्र इलाज यही है कोरोना का कि अगर हम घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी जा करके हम कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाएंगे और उसमें विजयी हो पाएंगे। सहयोगी शशि के साथ रेखा मिश्रा, ओंकार आवामी, रांची। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ पत्रकारिता और पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग इस संकट की घड़ी में भी अपनी एक अनोखा योगदान दे रहे हैं। घर परिवार, रिश्ते नाते सब कुछ भुलाकर कोरोना से जुड़ी हर खबर को दर्शकों और पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजद के श्यामा दास सिंह का कहना है कि मीडिया के लोग जो भी रिपोर्टिंग करने के लिए विभिन्न जगहों में जा रहे हैं वह सराहनीय है। राजद का मानना है कि मीडिया के लोगों को भी स्वास्थ्य बीमा निश्चित रूप से होना चाहिए और इस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अमल करे। ऐसी स्थिति में हमारे मीडिया के लोग
जो भी जा रहे हैं विभिन्न जगहों पर न्यूज कलेक्ट कर रहे हैं, हर जगह के वस्तु स्थिति से पूरे पब्लिक को अवगत करा रहे हैं, वैसी स्थिति में हम लोग को आरजेडी की ओर से मेरा मंतव्य है, मेरा ये सलाह है कि इन लोग को मीडिया के जो भी लोग हैं इन्हें बीमा निश्चित रूप से होना चाहिए और इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अमल करें ताकि ऐसी स्थिति में जो हमारे जान जोखिम में डाल करके मीडिया के भाई लोग हर जगह न्यूज कलेक्ट करके जनता में देने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को निश्चित रूप से बीमा होना चाहिए, ये मेरी मांग है। कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम को लेकर लॉकडाउन आगामी 3 मई तक बढ़ाने की पीएम की घोषणा के बाद प्रशासन के साथ पब्लिक भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का अनुपालन करने व कराने में मुस्तैदी से जुड़ा हुआ है। इसी कड़ी में रेलवे कॉलोनी एवं आदर्श नगर के लोगों ने मोहल्ले के रास्ते बाहरी लोगों की आवाजाही पर बैरियर लगाकर रोक लगा दी है। मोहल्ले के लोग पारापारी बैरियर पर तैनात होकर ग्रामीण इलाकों से आने वाले लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दिए हैं। सिर्फ लोगों को पैदल आने जाने की इजाज़त है, इस शर्त पर कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। पता नहीं है, गांव का आदमी झुंड का झुंड जो है हुजूम लगा के इधर से जाना आना करता है, जिसके चलते जो है इससे दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम लोग जहाँ बैरियर लगा दिया गया है। लोग पैदल आते हैं तो आ जा पा रहे हैं? नहीं ना, उन लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग जो है सोशल डिस्टेंस बना के आप लोग जो है जाना आना कीजिए, भीड़ भाड़ बना के मत जाइए, एक साथ में मत जाइए, यही हम लोग बोला जा रहा है। दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को देखकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपना दुख जाहिर किया है। तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार क्या कर रही है। कोरोना महामारी से लड़ रहे सभी कर्मवीर योद्धाओं को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और आभार। दोस्तों, मिलजुल कर एकजुटता से हम सभी इससे लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें सफल भी होंगे। हम सरकार को हर संभव मदद कर रहे हैं और दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। अपने स्तर से अभी तक 50,000 से अधिक लोगों की मदद कर चुके हैं। मैं देश भर में फंसे प्रवासी बिहारी भाइयों से अपील करता हूं कि थोड़ा धैर्य और बनाए रखें। हम आपके दुख तकलीफ को समझते हैं, जानते हैं। आपको परिवार की और परिवार को आपकी चिंता है, ऊपर से खाने पीने और रहने की। आज प्रवासी मजदूरों के विजुअल्स को देखकर दुख हुआ। एक छोटे से रूम में 10-10, 20-30 गरीब मजदूर रह रहे हैं। क्या सरकार नहीं जानती वहाँ कैसी फिजिकल डिस्टेंसिंग है? 100 मजदूर एक टॉयलेट का प्रयोग करते हैं। अगर उन्हें देश भर में खड़ी रेलगाड़ियों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर वापस घर भेज दिया जाए तो क्या दिक्कत है? कामगार मजदूर और मजलूम वर्ग का आज सूरत और मुंबई में अपने घर लौटने के लिए सड़क पर उतरना सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। जहां अमीरों को हवाई जहाज 5-सितारा होटलों में खुशामद कर रहे हैं, वहीं गरीब मजदूर बंधुओं को उनके घर तक सकुशल पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कार्यालय से दिन भर में हजारों मजदूरों से बात कर उनकी मदद की जा रही है। अब उनके पास पैसा, राशन पानी कुछ नहीं है, वो अपने घर जाना चाहते हैं। सरकारी कैंप में एक ही तरफ का भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें कई किलोमीटर जाना पड़ता है। पुलिस से नोकझोंक सो अलग, भूखा आदमी क्या करेगा? इस देश में अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकता। बिहार सरकार तुरंत गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब सरकारों से बात कर सभी बिहारियों को वापस लाए। संकट की घड़ी में आप उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते, ये सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। ये बीमारी लेकर आए हवाई जहाज वाले भुगतना पैदल चलने वाले को, कोरोना लेकर आए पासपोर्ट वाले अमीर और भुगतना पड़ रहा है बीपीएल राशन कार्ड वालों को। अमीरों की शान शौकत और बीमारी परेशानी को बेचारे गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। अब आप उनको महज 500 रुपए और मुट्ठी भर दाल चावल से बहलाना चाहते हो? मैं सरकारों से हाथ जोड़कर कह रहा हूं,
कोरोना से मरे ना मरे लेकिन करोड़ों गरीब लोगों का इंतजाम नहीं हुआ तो वो भूख से जरूर मर जाएंगे। दिल्ली से यूपी और बिहार में लाखों मजदूर आए, क्या उनमें से कोई एक भी पॉजिटिव केस मिला? आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि सभी को अपने प्रदेश वापस बुलाएं और उनको क्वारंटाइन करिए, लेकिन बुलाएं। आदरणीय नीतीश जी, आप देश के वरिष्ठतम नेता हैं, हर जगह आपके गठबंधन की सरकारें हैं। जब उत्तराखंड में फंसे हजारों गुजरातियों को डीलक्स बस में विशेष इंतजाम करके अहमदाबाद ले जाया जा सकता है तो गरीब बिहारियों को क्या आप 21 दिनों बाद भी साधारण ट्रेन में भी नहीं ला सकते? यह वाजिब सवाल है। कोरोना बंदी को लेकर आम जनता के लिए जिला प्रशासन ने खाने के लिए राजधानी में कई जगह व्यवस्था की है। ऐसी ही एक जगह महाराणा प्रताप भवन में भी जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि विधायक ने वहां का निरीक्षण किया और व्यवस्था पर संतोष जताया। वहीं बीजेपी विधायक ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन के इंतजाम बेहतर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और खाना भी अच्छा दिया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी विधायक ने खुद भी वहां पर खाना खाया। जो दो टाइम सुबह 11 बजे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ज़रूरतमंद जो है गरीब भी है और अब तो स्थिति यह हो गई है कि सामान्य वर्ग के भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके यहाँ राशन चूक गया है और कहीं वो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं वहाँ से भी उनको वेतन नहीं मिला है, वैसे लोग भी और जो बहुत अनुसूचित समाज के लोग हैं, अन्य समाज के ऐसे लोग जो गरीब हैं और जरूरतमंद हैं, वैसे लोग यहाँ भोजन के कर रहे हैं। नालंदा के सोहसराय थाना क्षेत्र इलाके के खासगंज मोहल्ले में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि होने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आनंद फानन में प्रशासन के द्वारा तत्काल खासगंज मोहल्ले को हर तरफ से पूरी तरह से सील कर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया। इसके पूर्व भी नवादा जिले के कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के बाद सेखाना मोहल्ले को भी सील किया गया था। सील करने के उपरांत कोरोना पॉजिटिव युवक के संपर्क में आए 7 पड़ोसी और आसपास के लोगों को सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में सभी को एम्बुलेंस के सहारे राजगीर अवस्थित आइसोलेशन सेंटर में सभी को क्वारंटाइन किया गया। मौके पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि नालंदा जिले में कुल 86 लोगों को क्वारंटाइन कर राजगीर आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। उन्होंने बताया कि कल दुबई से अपने घर खासगंज लौटे युवक के संपर्क में जो लोग भी आए थे उनको क्वारंटाइन किया गया है। सेंटर में आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है जी। उनके पड़ोसी है, 7 पड़ोसी हैं हम लोग के, सब मिला के 45 सदस्य हैं हमने। सबको नालंदा के राजगीर के गार्गी ग्रैंड होटल में आइसोलेशन के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पे 6 एम्बुलेंस लगी हुई हैं। पूरे जिले से आज कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया शहर में? बिहार से सर सब मिलाकर लगभग 66 लोग हैं जी। सर सभी नवादा से संपर्क में थे? ये सभी कल जो पॉजिटिव पाया गया है उनके संपर्क में, नवादा का जो पॉजिटिव है उनके पड़ोस के लोग हैं, ट्रेवल हिस्ट्री में जो लोग आए हैं उनके। महिला पुलिस कर्मियों ने एक नई परिभाषा गढ़ी है। जरूरतमंदों की भूख मिटाने के लिए खुद ही खाना तैयार कर उनको देने का काम कर रही हैं। दरअसल भागलपुर में ड्यूटी के दौरान कई लोगों को जब महिला सिपाहियों ने भूख से तड़पते देखा तो इसकी जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को दी। अधिकारियों ने इन महिला सिपाहियों को तुरंत ही भोजन पैकेट तैयार करने की सहमति दे दी। सहमति मिलते ही महिला पुलिसकर्मियों ने भूखों को पेट भरने के लिए स्वयं भोजन तैयार कर उनको बांटा। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव को लेकर अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात लोगों के जान बचाने में जुटे इन पुलिसकर्मियों के जज्बे को सलाम है। टाटा मोटर्स की ओर से स्वर्गीय प्रख्यात पत्रकार उदय सिन्हा के सम्मान में जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण किया गया जिसका जायजा लिया ओंकार अवामी ने। देश भर में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है, ऐसे में भारत मोटर्स की तरफ से स्वर्गीय प्रख्यात पत्रकार उदय सिन्हा के सम्मान में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जरूरतमंद लोगों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं जो आ रहे हैं और खिचड़ी लेकर के अपने परिवार के लिए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस वक्त देश बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, लोगों के सामने खाने की समस्या उत्पन्न हो गई है, तो जिस तरीके से भारत मोटर्स लगातार
सरकार कई दिनों से ये अभियान चला रहा है और जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहा है, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी से कि वो तस्वीरों को जरा अच्छे से दिखाएं, जूम करके दिखाएं। ये खिचड़ी बनाया गया है, खिचड़ी काफी अच्छी है, इसमें तरह तरह की सब्जियां भी डाली गई हैं जो कि जरूरतमंदों को खाने से काफी स्वादिष्ट तो लगेगा ही, इसके साथ ही प्रोटीन की व्यवस्था उन्हें काफी अच्छे से मिलेंगी। कुछ तस्वीरें मैं चाहूंगी आप पीछे से भी अच्छे से दिखाएं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। लोगों को बताया गया है कि इस जगह में लगातार लॉकडाउन तक इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी, तो आप तस्वीरें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि जरूरतमंदों के सामने किसी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए भारत मोटर्स लगातार जरूरतमंदों को भोजन करा रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। प्रख्यात उदय सिन्हा के सम्मान में किया जा रहा है। सबसे पहले तो भारत मोटर्स को साधुवाद देना चाहेंगे क्योंकि प्रख्यात पत्रकार उदय सिन्हा के सम्मान में आज का भोजन है जो जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। इनमें गरीब गुरबा कहना उचित नहीं होगा, जो भी जरूरतमंद है उन्हें दिया जा रहा है, इसलिए भारत मोटर्स को साधुवाद। शत्रुघ्न जी ने यह आयोजन किया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित होने के लिए उन्होंने कहा है। जो यहाँ आ रहे हैं लोग दो दो टाइम का भोजन लेकर के जा रहे हैं क्योंकि ये कोरोना जैसी महामारी से पूरा विश्व अभी छटपटा रहा है, इसमें इंसान को इंसान की तरह काम करने का ज़रूरत है, इंसान के भूख को समझने का ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने भी कहा है कि ज़रूरतमंदों की ख्वाहिश पूरी की जाए, तो आज का जो भोजन की व्यवस्था जो हुई है भारत मोटर के सहयोग से वो स्वर्गीय प्रख्यात पत्रकार उदय सिन्हा के सम्मान में हुआ है। उदय सिन्हा झारखंड में भी बहुत दिनों तक काम किए हैं और दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट, कलकत्ता, कई जगहों पर उन्होंने काम किया है और पत्रकारिता को एक नई मंजिल भी दी है। चलिए और भी भारत मोटर्स के कुछ कर्मी हैं उनसे हम बात करते हैं। हमें बताइए कि कई ऐसे लोग हैं जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो लोगों को पता चलता है तो जरूरतमंद लोग छूट जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप लोगों ने क्या सोचा है जो छूट जा रहे हैं? नहीं, ऐसे तो है नहीं, जो भी गरीब तबके के उन्हीं को भोजन दिया जा रहा है जी। और आसपास बहुत सारे सब मजदूर इलाका है, जैसे देखिए आप इरगू टोली देखिए, आनंद नगर देखिए, विद्यानगर देखिए, हरमू में देखिए, वहाँ के सब गन्ना वाले आते हैं, ठेला वाले आते हैं, फुचका वाले आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं, वही सब भोजन ले जा रहे हैं। चलिए, तो जो सभी जरूरतमंदों का विशेष ध्यान रखा जाता है, मैं चाहूँगी मेरे सहयोगी से एक बार इस तस्वीर को दिखाएं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से पालन हो रहा है। एक सर्किल बनाया गया है जिसमें लोग आ रहे हैं, उस सर्किल में खड़े रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग जो लगातार बोला जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करना है, तो लोग उसका बखूबी पालन कर रहे हैं। सारे बच्चे भी आपको दिख रहे होंगे इस वक्त मास्क लगाए हुए, तो कहीं ना कहीं जागरूकता जो है वो लोगों में है। एक आध दो लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, लेकिन जागरूकता जो जिसकी लगातार चर्चा की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। लोग खुद तो यहाँ की खिचड़ी का लुत्फ उठा ही रहे हैं, साथ ही अपने घरों के लिए भी ले जा रहे हैं। जैसे देखिए ये बच्चा है छोटा सा, घर के लिए लेने के लिए आया है। बेटा घर के लिए लेने आया हूँ, क्या नाम है? ऋषभ। मालूम है कोरोना क्या है? क्या है? एक्सीडेंट। चलिए, बीमारी है, बच्चों को भी मालूम है कि कोरोना क्या है, तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि भारत मोटर्स जो है वो लॉकडाउन के समय से ही इस तरीके का अभियान चला रहा है ताकि ज़रूरतमंद कोई भी भूखा ना रहे, लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या ना हो। अगर किसी के सामने समस्या है तो यहाँ पर आ सकता है और इसके साथ ही यहाँ के खानों का लुत्फ उठा सकता है। सहयोगी शशि के साथ रेखा मिश्रा, ओंकार अवामी, रांची। देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर भागलपुर में गरीबों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के समाज सेवी अब गरीबों की मुसीबत कम करने के लिए जरूरतमंदों के बीच राशन का वितरण कर रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता सुशील ने। लॉकडाउन को लेकर पूरे देश में गरीब असहायों का अब मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही है। इस मुसीबत को कम करने के लिए भागलपुर जिले में समाज सेवी लोगों का आगे आना दिलचस्पी अब देखने को मिल रहा है कि लोग जो है घर से निकल रहे हैं और गरीबों को जो है मदद कर लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये अभी हम मौजूद हैं नाथनगर इलाका में,
और ये गोदाम है, यहाँ पे लोग जो समाज सेवी का एक जगह अनाज राशन को जमा करके उसको पैकिंग किया जा रहा है। पैकिंग के बाद हर क्षेत्र में जो है भागलपुर जिले के अन्य आसपास जो इलाके हैं, मुसफ्फिल इलाका कहें, चाहे नाथहर इलाका कहें, चाहे कहलगांव इलाका कहें, ये तमाम इलाके में जाकर इसको राशन को बांटना है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखकर जो है एक पैकिंग किया जा रहा है लगातार, और पैकिंग करके फिर इसको समाज में और जो ज़रूरतमंद है उन लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर जो है समाज सेवी विजय यादव जी हैं। विजय यादव से बात करने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए विजय जी कि किस तरह का जो लॉकडाउन का असर है और कितने लोगों पर असर देखने पर रहा, क्या जिला प्रशासन की ओर से क्या यहाँ पे लोगों को राहत पहुँचाई जा रही है? ये लॉकडाउन का असर तो मतलब जो दुआई मजदूर वगैरह है और गरीब जो निचले तबके के लोग वगैरह है उन लोगों के लिए काफ़ी जो है दुखदाई है, और उन लोगों के पास अभी तक कोई सरकारी मुहैया नहीं पहुँच पाया है। पता चला है कि आज से कुछ लोगों में राशन वितरण का काम सरकारी तरफ से शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक जो है जैसा स्थिति हम लोग देख रहे थे गांव देहात में जगह जगह पे जो गरीब तबके के लोग हैं, मतलब ऐसी स्थिति है कि किसी घर में जो है कई दिन से खाना नहीं बना था, वैसे सब लोगों को चिन्हित करके करीब करीब 400 से 500 घरों में पर डे मेरा लक्ष्य है प्रत्येक दिन, आज 15 दिन से कंटिन्यू जो है चलवा रहे हैं कि सबको खोज खोज के प्रत्येक घर तक अपना लड़का से पहुँचवाते हैं, खुद अपने से जाके प्रत्येक घर में राशन हम लोग देते हैं। ये 5 दिन का राशन एक एक घर में दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से लेके मतलब देहाती क्षेत्र गोसाईदासपुर भतोड़िया गोविंदपुर नूरपुर मधुसूदनपुर क्षेत्र हो गया कवाकोली से लेते हुए रिफ्यूजी कॉलोनी बरारी, राशन में आप क्या क्या दे रहे हैं? राशन में 2.5 किलो चावल है, 2.5 किलो आटा है, 2 किलो जरूरत चीज़ें हैं, जो ज़रूरत चीज़ें हैं उन देखिए जो ये थे विजय जी थे जो जो गरीब और सहायक को जो जरूरत जो दैनिक उपयोगी सामान होता है वस्तु वो खाने पीने का राशन वो लगातार इन गरीबों के बीच में जाकर बांट रहे हैं। देखिए यही सामान जो है उन लोगों को तक पहुंचाना है जिन जो ज़रूरतमंद है, जो असहाय हैं और मजदूर हैं, जो तबके जिनको अभी मजदूरी जो खत्म हो गया है उनको खाने पीने के लाला पल गए हैं। और यहाँ पर देखिए और भी एक हमारे बीच में लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करने, सर आपका क्या नाम है, आप कितना यहाँ पर जो सेवा कर रहे हैं, किस कितना ये मन में उत्साह देखने को मिल रहा है और ये कितना गरीबों के बीच में आप जा रहे हैं, कितने कितने कौन कौन से गांव में? ओ बहुत सारे गाँव गए, आपका भतोरिया हो गया, गोविंदपुर हो गया, ब्लॉक साइड हो गया, रिफ्यूजी कॉलोनी हो गया, और हवाई अड्डा के पीछे जो है झोपड़पट्टी वगैरह गरीब लोग उधर रहते थे उधर वो हो गया, मतलब कि जहाँ जहाँ मतलब हम लोग को मिलता है रिपोर्ट कि वहाँ मिलना चाहिए तो हम लोग वहाँ जा करके वैसे परिवारों को बीच जो जाते हैं तो वैसे परिवार कुछ कहते होंगे कि हम 5 दिन से भूखे हैं या 10 दिन से भूखे हैं, अनाज मिलने बाद कितना उन लोगों के बीच में बहुत उत्साह होती है उन लोग को। बिल्कुल देखिए अभी जिस तरह से लॉकडाउन पूरे देश व्यापी चल रहा है और लॉकडाउन में गरीबों की जो मुसीबत कम करने के लिए समाज सेवी लोग आ रहे हैं, तो काफ़ी गरीबों के बीच में एक भगवान की तरह इनको रूप दिखा जा रहा है, और ये इन लोग जो समाज सेवी वो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर लोगों को राशन तो वितरण कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का भी पाठ पढ़ाकर उन्हें सुरक्षित रहने का अपील कर रहे हैं। अपने सहयोगी अजीत कुमार के साथ सुशील कुमार, ओंकार न्यूज़ भागलपुर। जी तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।